सेम टॉपिक तो नहीं है। दो मार्च 2011 शिवरात्रि, इस बर्थडे पर सभी एक दो को मंगलसा दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के एक का फूल अर्पण करो। मास्टर सब शक्तिमान के समान की सीट पर रहकर इस बात में नंबर वन का इनाम ले लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सब बच्चे अमृत वेले से लेके बड़े स्नेह भरी मुबारक अपने प्रेम और खुशी की दे रहे। तो बाप भी आप सभी शिकील बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा दिल का दुलार है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारकें दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते हैं यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन सात बच्चों के आए, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। और सब जो जयंती है उनमें और जो बाप प्रैक्टिकल में आते हैं उस जयंती में क्या अंतर है? वंडरफुल बात क्या बताई? वंडरफुल बात बताई किस जयंती पर बाप बच्चों के साथ आते हैं और जो जयंतियां मनाई जाती हैं उनमें सिर्फ समझते हैं कि बाप की जयंती। तो देखो सारे कल्प में ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा जाता है ही हेतुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रतन बच्चों को देख विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने आए हो, बाप का कहना ही है
साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे और साथ में आएंगे। कौन से बाप का कहना है? है अम्मा का कहना नहीं बताया, बाप का कहना बताया। साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे और साथ में आएंगे। कहाँ? नई दुनिया में। और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भी करेंगे। तो साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहां बाप वहां साथ साथ रहेंगे। ये है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहां भी शरीर द्वारा रहते हैं लेकिन दिल में सदा बाप है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। और यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर है। तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना? और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ ही रहना। अकेले रहेंगे तो माया अपना चांस लेती है और साथ में तो स्वयं लाइट हाउस आपके साथ है। उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है। किसके आगे? बाप के आगे। लाइट हाउस बाप के आगे से माया दूर से ही भाग जाती है। उसके क्यों कह दिया? आने वाले पार्टी का माना जो बोलने वाला है वो स्वयं अपने को लाइट हाउस नहीं बताता। माया उस लाइट हाउस के नजदीक भी नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना? साथ में है और साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते रहते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता है लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे को दिल की बातें सुन करके सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा तो बाप हाजिर हो जाते हैं। हुजूर हाजिर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा और हाजिर हुजूर। बाप दादा ने देखा आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी स्नेह में बच्चों के समाये हुए थे, समाये हुए हैं।
अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख, आपके भक्त वो भी कम बुद्धि वाले नहीं है, उन्होंने भी आपके यादगार की बहुत अच्छी कॉपी बनाई है। द्वापर में आए, पहला जन्म वैसे ही सतोपदान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है, तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई, तो काफी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की काफी अच्छी बनाई है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल है और उन्हों का यादगार। जैसे आपने व्रत लिया है, कौन सा व्रत लिया है? पवित्रता का, तो वो भी व्रत लेते हैं, व्रत की कापी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म का व्रत चल जाता है, वो एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए हो तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिट गया और आपने मिटाया। 2 मार्च 2011 की अभ्यक्तवाणी का दूसरा दिन, आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता, मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया, वो भी काफी की है। जागरण करते हैं ना, और बात आप बाप के ऊपर बलि हार गए, बलि चढ़ गए, पूरे सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी काफी की है, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को नहीं बलि चढ़ाते, किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को बलि चढ़ाते हैं, शिवरात्रि पर बकरे को चढ़ाते, जहाँ जहाँ पुराने मंदिर हैं, देवियों को भी बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको क्यों नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है, ये मैंपन का देह अभिमान छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वो भी मैं करता है, तो भक्तों की बुद्धि की कमाल की है, वो आपके भक्त है ना, बाप के और आपके भक्त हैं। किसके किसके? बाप के और बच्चों के, बच्चों के ऊपर बलि चढ़ाते हैं कि बच्चियों के ऊपर बलि चढ़ाते हैं? अरे बच्चियां शक्ति बनती हैं, बलि लेती हैं, या बच्चे लेते हैं? बच्चियां लेती हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं उनको कुछ न कुछ फल दे देते हैं, भक्ति का फल, वो भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैं पढ़ नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वो ही करो, मैं ही ठीक कहता हूँ, जो मैंने कहा वो ही होना चाहिए, ये मैं एक साधन है,
मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, लेकिन एक है साधारण, साधारण में और दूसरी है मैं इनमें। तो बाप की देन को मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ, बाप की विशेषताओं में भी मैं पना जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैं पना जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो, हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त करके मैं बाबा का और बाबा मेरा, इसमें कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक होता है साधारण मेरा और एक होता है महीन मेरा। ये महीन मेरा मैला कर देती है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना? बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज आप बच्चों के जन्मोत्सव की मुबारक देने आए। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूं, तैयार हैं? कहें, करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, करेंगे, डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, उसका होमवर्क देना चाहते हैं। तैयार हो ना? अच्छा, ये तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का ये संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए, व्यर्थ संकल्प के अक के फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प करना ही नहीं है, न करना है, न सुनना है, और न कोई के संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना। क्योंकि तो व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प या ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वो शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेगा। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वो तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते रहे तो मुरली का मनन चिंतन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यक्त संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाला है। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना? नारीशुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान करा देती है, क्योंकि आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो। आप कहेंगे
हम तो नहीं चाहते लेकिन वो आ जाते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को 10 संकल्प से देने से पहले देना आता है, बाप को दे दिया। दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? है क्या होगा? एक भी नहीं बोलता, चंदाल। तो बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आ गई? दूसरे की चीज अपनी बनाना है, इसको अच्छा नहीं मानते। तो रोज आराम के पहले, आराम के बाद में करना, पहले चेक करना। आराम बाद में करना। आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं? कोई व्यर्थ संकल्प किया तो नहीं? दी हुई चीज वापस तो नहीं ली? दो मार्च 2011 की अभ्यर्थवाणी का तीसरा दिन। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है? है हिम्मत? हाथ उठाओ, हिम्मत है। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से मेरा बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप ये चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा कि हिम्मत आपकी और एक्स्ट्रा मदद बाप की। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है, ये तो अनुभव किया है। क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अभी तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है, 3 बिंदु लगाना है। बिंदु बाप बिंदु को याद करना है और बीटी को बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यास सबसे ज्यादा किससे है? पैसे से। पर रिजल्ट भी दे दिया। क्या रिजल्ट दिया? सबका प्यार। आजकल सबका प्यार दुनिया वालों का ही नहीं, सबका में कौन कौन आ जाता है? बच्चे भी आ जाते हैं। पैसे से प्यार है ना, तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ, 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, फिर बिंदु लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है? वो असली बिंदु लगाओ। दिल से करने वाला करना ही है, मरना ही है। जो तो मजबूरी से करने वाला सदाकाल का नहीं होगा, कभी कभी का होगा। तो देखना, सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से उठाया है? सौगात दिल से दे दी, क्यों क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूं, क्यों करूं? ये कह की भाषा बहुत खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों कह के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से उठाया है?
सशस्त्रवान बाप के बच्चे माँ से सशस्त्रवान के लिए ये क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सरकार की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं, ये समान है ना, तो समान अपना छोड़ा नहीं जाता है, समान के पीछे तो लड़ जाते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना समान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ समान, लोगों द्वारा मिला हुआ समान, उसमें भी कितना नशा रहता है। ये परमात्मा द्वारा समान मिला है, मास्टर सब शक्तिवान, जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना हिम्मत, कान हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कान हिलाओ, हिम्मत है, बोलो टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आप करोगी और अटेंशन दिला के कराओगी, क्योंकि आप निमित्त हो ना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास और किसका क्लास नंबर वन लेता है। बेसिक वालों को नंबर वन लेता है, ये एडवांस वालों को नंबर वन लेता है, इस बात में व्यर्थ संकल्पों को त्याग करने में, फिर इनाम भी बहुत अच्छा देंगे। कौन सा इनाम देंगे वो अभी नहीं बताते हैं, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास और कोशिश करना, ऐसे भी नहीं है कि एक ने किया नहीं, मेजॉरिटी करें। तो सेशन 73-74 में भी बोला था, पहला मेला हुआ था, अनाउंसमेंट किया था, जड़ प्रदर्शनी का इनाम दीदी दादियां देंगी, जड़ मेले के इनाम कौन देगा, दीदी दादियां देंगी, और चैतन्य चित्रों का इनाम बाप दादा देंगे। क्या इनाम देंगे वो अभी नहीं बतावेंगे, तीन नंबर निकलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो याद रहा, तो याद भी नहीं रहा होगा कि बाप दादा ने कौन से इनामों की घोषणा की थी, कौन से इनाम दिए गए या नहीं दिए गए, बट गए या नहीं बट गए, हमको मिला या नहीं मिला। ये अब तक 74 की बात है कि बाप दादा झूठ बोल देते हैं, इसलिए कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। कौन सी तीन फीट सिंथिस, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा का पार्ट किसका प्रैक्टिकल जीवन में, झंडे में जो तीन कपड़े दिखाए जाते हैं उनमें कौन सा तीसरे नंबर का कपड़ा है नीचे वाला, कौन सा दो नंबर का बीच वाला कपड़ा है, कपड़ा माने शरीर रूपी वस्त्र, और कौन सा अपर नंबर का कपड़ा है, वो नंबर डिक्लेयर हुआ। ये भी बता दिया, व्यर्थ संकल्पों का छोड़ने, ये पुरुषार्थ एक ने किया और एक ने नंबर लिया, ऐसे नहीं, मेजॉरिटी करके दिखाए। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है, एक एक बच्चे का मतलब एक ही आवेगा इनाम लेने वाला, कि और भी आवेंगे नंबर वार,
सब नंबर वन में आवे, टू में भी नहीं। क्या क्या मतलब? नई दुनिया की स्थापना होने वाली पहली गद्दी पर बैठेंगे या दो नंबर की गद्दी पर बैठेंगे? पहले नंबर की गद्दी कौन सी है? कहाँ है? कौन से युग में है? पुरुषोत्तम संगम युग में है पहली राजगद्दी। तख्त पर तो दो बैठेंगे, लेकिन जो पहली राजधानी होगी, पहले राजघराने के संबंध में आ गए, दो नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है। राज्य कोई अकेला नहीं करता है, तो साथ में कौन चाहिए? राज्य अधिकारी भी चाहिए। राज्य अधिकारी बनना है तो पहले नंबर के राज्य में आवे। कौन सा है पहले नंबर का राज्य? सूर्यवंशी घराने के राज्य में आवे। तो बाप दादा के यही बच्चों से प्यार है, एक एक बच्चा कोई न कोई विशेषता में नंबर बनावे। नंबर वार नहीं, नंबर वन। उमंग है नंबर वन में आना है कि जो मिल जाएगा सो अच्छा। अच्छा अच्छा नहीं करना, बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई न कोई कमाल में नंबर वन में आवे। चार सब्जेक्ट हैं। क्या सब्जेक्ट कितने हैं? चार सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर वन बनना ही है। तो कितने नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं? चार नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं। पहला नंबर ज्ञानी तू आत्मा नंबर वन। कौन थे? दूसरा नंबर योगी तू आत्मा नंबर टू। जो भी ज्ञान सुना है उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाला। और चौथा सेवा में। तो बनना ही है, ये अंडरलाइन करो। चलो ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं कि चारों सब्जेक्ट में नंबर वन आ जाओ। कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर वन, ये तो सहज है ना। बाकी आज के दिन एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे अमृत वेले, बड़ा खुशनुमा खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदावर्ती कला का वरदान दिया। चलती कला नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा का आज ये वरदान याद रखना। कौन सा भूल गए? सुनते कौन सा वरदान दिया? उड़ती कला का वरदान दिया। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। आपने भी सारा दिन उत्सव शिवरात्रि उत्सव दिल से मनाया ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और अच्छे से अच्छे राज पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना,
बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे मनाए रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देख करके हंसित हो रहे और बच्चे भी बाप का मिलन देख करके खुश हो रहे। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख करके सोचे ये तो बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई दे रही है, आपका भाग्य और चलन आपके चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा और औरों को भी परिचय कराए। तो परिचय कराएगा, आपका चेहरा सर्विस करेगा। क्या कहा? रिजल्ट दे दिया कि चेहरा ही आपका सर्विस करेगा, और जो चेहरे की सर्विस होगी वो बाप तक पहुंचाएगी, बाप तक लावे। 2 मार्च 2011 की वाणी का चौथा दिन, खुशनुमा रहना ये भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, आज सेवा का टर्न इंदौर जोन का है, अच्छा, ये सब इंदौर के हैं। क्या कहा? कौन से दिन? जो भी शिवरात्रि के दिन के हैं, खास शिवरात्रि मनाने की खुशी वाले हैं, वो कौन से दिन के हैं? शिवरात्रि। और कौन से जोन के? इंदौर। इंदौर जोन के हैं। इंदौर वाले हिलाए रहे हैं, 5 स्वरूपों की निशानी हाथ में है, ये अच्छा बनाया है। हर एक को अलग देखने से मालूम होता है कि अपने टर्न पर एक किसे प्यार है, क्योंकि बाप ने भी पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ का सदा आगे बढ़ना, यज्ञ को भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हरेक बच्चे का कर्तव्य है। कौन से जोन वालों से बोला? इंदौर जोन वालों से बोला। बाप दादा ने अभी तक देखा इस टर्न लेने में सभी पास हुए हैं, कोई की भी कमी नहीं रही है। तो जैसे टर्न के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने बनने वाले सिर्फ ऐसे ही नहीं हो, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना। तो जो जिम्मेवार समझेंगे वो जरूर कहां तक पहुंचेंगे? यज्ञ की अंतिम आहुति की तक पहुंचेंगे। अंतिम आहुति होगी और खेल खलास हो जाएगा, बीच में खलास होने वाले नहीं होंगे। खलास हो जाएंगे?
जो जिम्मेवारी समझ कर चलेंगे। ये टन पूरा हुआ, लेकिन वहां रहते भी ध्यान हो, पूछते रहो। जैसे अभी टन में खरीदारी करके भी आते हो ना, ऐसे सदा यज्ञ का ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक, तो इतना हरेक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। पहले यज्ञ फिर सेंटर, कि पहले सेंटर फिर यज्ञ। पहले वो कोई ब्राह्मणी ऐसे भी है जिस सेंटर पर रहती है, पहले सेंटर फिर बाद में यज्ञ का नंबर लगाएंगे। व्यक्तियों में भी, वस्तुओं में भी, पहला नंबर किसका देते हैं? प्रेफरेंस है सेंटर का देते हैं। अटेंशन देते तो हैं यज्ञ के लिए, बाप दादा जानते हैं कि कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहा है, बाकी कर भी रहे हो, आगे भी करते रहेंगे। आपका ये यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ का प्रसाद देने वाला है। क्या कहा? कौन सा यज्ञ स्थान है? हैं? जो सभी को प्रसाद देने वाला है। सभी में कौन कौन आ गए? प्रसाद सभी को दिया जाता है या कोई कोई को दिया जाता है? सभी को दिया जाता है। तो सभी में कौन कौन आ गए? सब बच्चे। सब माने कितने? सबको प्रसाद मिलेगा यज्ञ का, 4.5 लाख कोई मिलेगा, 9 लाख कोई मिलेगा। दुनिया में भी जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ संपन्न होते हैं, संपूर्ण आहुति होती है, और यज्ञ की सफलता भी सबको दिखाई पड़ती है। जैसे बरसात के लिए यज्ञ कराया तो सफलता हुई, तो सबको प्रसाद मिलता है या कोई कोई को मिलता है? तो आपका ये यज्ञ स्थान कौन सा स्थान? ये यज्ञ का स्थान कौन सा है जो सबको प्रसाद देने वाला है? तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक हो या सेंटर के रक्षक हो? आप पहले यज्ञ रक्षक हो, बाप दादा के साथी हो। क्या निशानी बताई यज्ञ रक्षक की? बाप दादा के साथी हो, बाप दादा के साथी हो। सेंटर में जो विशेष सेवादारी है, साथ देने वाले सहयोगी हैं, उनके साथी नहीं हो। किसके साथी हो? बाप दादा के साथी हो। बाप दादा पहले यज्ञ रक्षक है ना? आपका टाइटल क्या है? आप यज्ञ रक्षक हो ना? अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करते रहेंगे। तन मन धन से सेवा चार चीजें हैं, तो यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे चार सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, ऐसे ये भी चार सब्जेक्ट हैं। बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है, बाप दादा साफ रिजल्ट देखते हैं और इंटरेस्ट से देखते हैं। हर एक बच्चा क्या क्या करत भय, अच्छा है। बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आगे के लिए भी इशारा दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या कमाल दिखा रहे हैं? कोई न कोई कमाल तो करते हैं ना,
बाप दादा ने सुना है कि सर्विस में भिन्न भिन्न प्रोग्राम भिन्न भिन्न विधियां निकालते हैं और उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। ये रिजल्ट तो सुनी, पास होना इसमें, नई नई विधियों में पास हो। अच्छा, हाथ उठाओ। नया नया प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिस करके अपने में फिर सभी को उस तरीके का अनुभव कराने के लिए कोई साधन बनाओ। बाप दादा मुबारक दे रहे। डबल विदेशी भाई बहन है, 60 देशों से 1100 आए हैं। याद रहा, कितने देशों से आए हैं? 7 देशों से। देशों का कनेक्शन कुछ धर्मों से भी है या नहीं है? वो कौन कौन से 7 धर्म हैं? वेद में भी हैं या बेसिक में ही है? कौन कौन है 7 धर्म और 7 खास देश? इस्लाम धर्म, पहले तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इनके हेड कौन हुए? अरे जीते जी, 5 पांडवों में कौन गया स्वर्ग? युधिष्ठिर के कुल के है ना, तो पहले तो वो, दूसरे हैं भीम, बैंकर पाटधारी है, ऐसे बैंकर हैं, 100 कौरवों को भी मारते हैं अकेले, ढेर के ढेर राक्षसों को भी मारते हैं, तो भयंकर हुए ना। तीसरे बौद्धि, बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? बुद्धिमान है। और चौथे सन्यासी भी हैं, जिनके लिए बोला सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और पांचवे सिख, तो वहाँ 7 देशों से आए हुए हैं, 1100 आए हैं, 12×5 अरे 7 में कितने ग्रुप हुए? अरे 6 ग्रुप। 12×12 के कितने ग्रुप हुए? 5। तो कितने हो गए? 12×7 हो गए। 7 देशों से आए हैं। विदेशी बच्चों को भारतवासी देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं, तो जब देखते हैं ना कि विदेशी भी अभी इंडियन संस्कार वाले हो गए हैं, क्योंकि सत्युग में राजी करने वाले हो, अधिकारी बनने वाले हो, तो जो बाप का परमात्मा कल्चर है वो आपका बन गया। इसलिए खुश होते हैं कि हमारे ही भाई कहां से कहां चले गए थे, भारत से सेवा के लिए चले गए, लेकिन हैं तो भारतवासी बीज ना, जड़े हैं या भारतवासी बीज हैं? कहां बुद्धि गई? बोलने वाले बाप दादा की बुद्धि फिर भी कहां चली गई? बीजों में गई या जड़ों में गई या 500 करोड़ पत्तों में गई? है तो भारतवासी बीज, और बीज आपका फॉरेन का नहीं है, कहां का है? सारे मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज भारत का है, पहला असली बीज तो भारत का ही है ना।
इसीलिए कहां से निकल करके भारत का एक कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर नहीं परमात्मा कल्चर। परमात्मा कल्चर क्यों कहा? कल्चर माने सभ्यता। परमात्मा ने जो सभ्यता सिखाई, परमात्मा के द्वारा स्थापन की हुई सभ्यता, वो तो परमात्मा कल्चर की हो गई और सब खुशी खुशी से हुए। बाप दादा ने देखा यहाँ इंडिया में आके इंडिया का खाना बनाना भी सीख जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, तो बीज आपका वही है, सेवा के प्रति इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? एक बारी में कितने देशों से आते हैं? अभी इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? इसीलिए आपको भेजा है सेवा के लिए, उसको भेजा है विदेश में सेवा को, सेवा के लिए किसको भेजा है? जो हिंदी जानने वाले हैं उनको भेजा है या दूसरों को भेजा है? असली भारत के हैं और भारत के कल्चर के बन गए हैं, क्यों? भारत में यहाँ परमात्मा कल्चर चल रहा है, इंडियन कल्चर नहीं परमात्मा कल्चर। बहुत खुशी से सीखते भी हो और चलाते भी हो, परिवर्तन करने में आपने को अच्छा निमित्त बनाया, इस बात की मुबारक। हमारे थे हमारे बन गए, याद है ना? इस बात का आपको भान आता है ना कि हम इंडियन नहीं लेकिन परमात्मा कल्चर के थे और अभी लास्ट में आकर के फिर बन गए। 2 मार्च 2011 की शिवरात्रि की वाणी का 5वां पेज, 4-5 जन्म सेवा के लिए वहां दिए हैं। कहां? विदेश में। जो यहां आते हैं वो बाबा के थे। कब? खाद में तो थे ही, लेकिन विदेश में कब से गए? 4-5 जन्म से गए, द्वापर से नहीं गए। बाबा के थे और बाबा के ही अब बन गए। यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। वो कोई पूछते हैं हम थे कि नहीं थे? बाप कहते हैं सभी थे। अच्छे अच्छे सब सब बच्चे निकले हैं। बाप दादा को संगठन मधुबन में करना ये बहुत अच्छी रीति लगती है। परिवार तो देखो कितना है, बड़े परिवार, सुखी परिवार। वैसे अगर परिवार बड़ा होता है तो दुख होता है, लेकिन सुखी परिवार, बड़ा परिवार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना परिवार? परिवार देख के खुशी होती है। थे ही यहाँ के। अच्छा, आज सहेज भी तो मनाएंगे ना, क्योंकि अवतरण का दिन है ना। दादियों से उन्होंने कहा, दादी जानकी 4 दिन के लिए गुजरात टूर पर जा रही है, हिम्मत है ना, संकल्प किया हुआ पड़ा है। दादे बोली, बाबा अंगुली पर नचा रहा है, इसीलिए चल रही हो। अच्छा, मोहिनी बहन से इसको तो चलना ही है और साथ निभाना ही है, बेफिक्र सोचो नहीं, अच्छा है और अच्छा होना है, सब अच्छा हो जाएगा।
बस ईशु दादी से ये भी साथी है, बाप दादा ने अंगुली से सच के मस्तक पर तिलक दिया, बधाई का तिलक सबको मिला, सब टीवी पर देख रहे हैं और वो भी खुश हो रहे हैं। उनका अंकल आंटी ने बहुत बहुत मुबारक दी है, आप बाप की तरफ से तिलक देना, बाप दे रहा है वो तिलक वो भी अनुभव करे। उन्होंने कहा प्रीतम बहन के भोग के निमित्त कुलदीप बहन और परिवार आया है। अच्छा, उसने भी अच्छा पार्ट बजाया और सबकी दिल से सेवा की। परिवार लकी परिवार है, जो निमित्त बाप था वो बचपन से परिवार कर बहुत हितकारी था। एक साइकिल पर चार जने बिठा करके मुरली सुनने आते थे। इतना अलौकिक परिवार को प्यार कोई नहीं करता, बहुत अच्छा। उस बात का वरदान भी परिवार को है। कोई ने कहा कुंज दादी ने याद दी है, अहमदाबाद हॉस्पिटल में है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। बार बार होता है तो उसका कारण क्या है? बड़ी उम्र तो कईयों की है, उसका इलाज हो रहा है। इसका दादी कौन है? अरे कहीं की इंचार्ज ही होंगी ना, दादियों की लिस्ट में है, कोई को पता नहीं है। जानगी दीदी नहीं, उनका नाम तो पहले ही ले दिया, वो दीदी नहीं है, वो दादी है। पटना की इंचार्ज, इसका इलाज हो रहा है क्योंकि सर्विस वाली है ना, बाकी थोड़ा पूछ करके इसको थोड़ा चुस्त कर दो। अभी बहुत टाइम बेड पर रही है। अच्छा, सभी बाप दादा कैसे खेल दे, सबसे उल विश्व में चमकते हुए सितारे आज आपको भी बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। बाप के साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राजी करेंगे। ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार है, अकेला नहीं करेगा, तो सभी को पर्सनल एक एक को मुबारक हो। आपका बहुत प्यार है, अकेला क्या नहीं करेगा है। बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा फहराया और सबको शिव जयंती की मुबारक दी। आप सबके तो दिल में बाप दादा समाया हुआ है, लेकिन औरों को पता देने के लिए आपका बाप आ गया। जो वर्षा लेना हो मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, आके ले लो। ये खबर देने के लिए झंडा लहराया जाता है। ये झंडा लहराना भी विश्व की सेवा है। कौन सा झंडा लहराना?
कपड़े का नहीं, तो सारे भारतवर्ष में सारी सरकारें सारे अपने अपने ऑफिस में लहराते ही रहते हैं वर्ष में कई बार। इससे विश्व की सेवा हो जाती है क्या मतलब है बाबा का? हाँ, ये झंडा कपड़े का तो यादगार है, लेकिन जो असली झंडा है तीन शरीर रूपी वस्त्रों का, उसको विश्व के आगे लहराना है। सबको आकर्षण तो हो, सब गीत गावे, उस झंडे के गीत आप सिर्फ नहीं गाओ, सब ये गीत गाए हमारा बाबा आ गया। अभी सेवा जल्दी जल्दी करो, समय कम है, सेवा अभी बहुत रही हुई है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं होने पड़ोसी है, अरे दोनों तरफ से पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान पड़ोसी है ना, बाकी नहीं बनाया तो अड़ोसी पड़ोसी सबको ये संदेश दे दो, आपका बाप आ गया। अभी जहां रहते हो वहां देखना हमारे आसपास कितने हैं जिनको बाप का पता नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं आते हैं, हाथ में पर्चा नहीं लेते हैं, तो उनके पोस्ट बॉक्स में डाल दो। उन्हें संदेश दे दो, लेना नहीं रहे, हमको पता क्यों नहीं दिया, कैसे भी किसी भी द्वारा ये संदेश जरूर पहुंचाओ। सेवा सभी की रही हुई है, आपके मोहल्ले में सबको संदेश मिला, नहीं मिला है तो अब कर लो, अचानक सब हो जाएगा, फिर उनको भी याद आवेगा कि हमने नहीं किया, जो करना था वो हमने नहीं किया, तो कर लो, आप कर लो, समझा? जरूर करना। अच्छा, ओम शांति।